नमस्कार, आपका स्वागत है आज की फटाफट खबरों में। 3 दिन के अंदर मुकेश अंबानी दुनिया के 7वें से 6ठे अमीर बन गए हैं। उनकी कुल संपत्ति $72.4 अरब तक पहुंच गई है। मुकेश अंबानी बने दुनिया के 6ठे अमीर व्यक्ति। उन्होंने गूगल के संस्थापकों को पीछे छोड़ दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले फ्लोर पर बहुमत साबित करे गहलोत सरकार। बीजेपी कटारिया बोले, अल्पमत में गहलोत सरकार, कांग्रेस खुद के कारणों की वजह से टूटी। सीबीएसई 12th रिजल्ट 98%। केजरीवाल बोले, जो 70 साल में नहीं हुआ हमने किया। इसराइल से एंटी टैंक स्पाइस मिसाइल खरीदेगी सेना, एलएसी में होगी तैनात। लगातार दूसरे साल एंटी टैंक मिसाइल स्पाइस खरीद रही है सेना। आईएएफ भी कुछ मानव रहित हवाई वाहनों को खरीदना चाह रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी विधायक की मौत पर सियासी बवाल, जांच सीआईडी के हवाले। घर से 1 किलोमीटर दूर छत से लटकी मिली जांच। देश के लिए राहत भरी खबर, कोरोना केस में रोजाना होने वाली बढ़ोतरी में कमी। फिलहाल देश में कोरोना के 3,11,565 एक्टिव केस हैं। अब तक 5,71,569 कोरोना संक्रमित मरीज हुए ठीक। न पार्टी के मुखिया रहे न सरकार के डिप्टी। बगावत से सचिन पायलट ने क्या क्या किया। सचिन पायलट के दोनों पद छीने गए, पायलट के साथी भी हो गए अलग। पायलट के ट्विटर बयानों में अब कांग्रेस नहीं, लिखा, सत्य को पराजित नहीं किया जा सकता। बर्खास्तगी के बाद सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया, ट्विटर बायो को भी बदला, कांग्रेस का जिक्र नहीं। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अमिताभ ने जो पहला ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने ये भी लिखा था कि पिछले 10 दिनों के भीतर जो भी उनके संपर्क में आए हो कोरोना टेस्ट करवा लें। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए और राजस्थान में कांग्रेस सरकार में चल रही उठापटक को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। फटाफट खबरों में आज के लिए बस इतना ही।